मोबाइल हैकिंग के केस आए दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के बैंक अकाउंट से पैसे चुराए जाते हैं। उनके पर्सनल डेटा को इंटरनेट पे सर्कुलेट किया जाता है, उनके फोटोज को एडिट करके लाइक मॉक पिक्चर के थ्रू उनको ब्लैकमेल किया जाता है और भी बहुत कुछ, क्योंकि मोबाइल के पास हमारी इतनी सारी और पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन उसी इन्फॉर्मेशन को कोई हैकर कहीं दूर बैठा सीक्रेटली एक्सेस कर रहा है। तो क्या होगा, हमारे ही साथ रहने वाले लोगों में से किसी एक ने हमारे फोन के साथ ऐसी छेड़छाड़ कर दी कि वो हमारी सारी एक्टिविटीज पे नजर रख रहा है, तो क्या। लेकिन आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि वो कौन से साइन हैं जिनके थ्रू हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं, 100% कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा स्मार्टफोन वाकई में किसी ने हैक कर रखा है या फिर नहीं, और अगर हैक कर रखा है तो अभी क्या एक्शंस लेने हैं। लेट्स बिगिन। देखो, अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ टाइम से मेरा जो फोन है उसका इंटरनेट बहुत तेजी से खत्म हो रहा है, उसकी बैटरी भी बहुत तेजी से खत्म हो रही है, या फिर उसकी परफॉर्मेंस काफी स्लो हो गई है, तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग साइन है आपका फोन किसी ने हैक कर रखा है। इसकी वजह ये है दोस्तों कि हमारे फोन को डबल डबल शिफ्ट में काम करना पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल, हम इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, डेटा खर्च होता है, लेकिन वही इन्फॉर्मेशन किसी और के पास भी जा रही है, हैकर के पास जा रही है। दैट्स वाई इंटरनेट जो पैक है हमारा वो तेजी से खत्म हो जाता है, इसी के रिलेवेंट बैटरी खत्म हो जाती है और प्रोसेसर को डबल डबल काम करना पड़ता है। दैट्स वाई वो हीट हो जाता है और स्पीड फोन की कम हो जाती है। सस्पिशियस टेक्स्ट या फिर कॉल्स अगर आपके पास आती हैं एकदम से, काफी सारे अननोन, तो ये भी एक साइन है। स्ट्रेंज पॉपअप्स, एड्स वगैरह, स्पेशली गंदे वाले एड्स, तो यहाँ पे सिर्फ दो केसेस हैं, या तो आपका फोन वायरस से इन्फेक्टेड है या फिर उसको किसी ने हैक कर रखा है। अपने मोबाइल को अच्छे से चेक करना है, और अगर आपको उसमें कोई ऐसी एप्लीकेशन मिलती है जो ना तो आपने कभी इस्तेमाल की है और ना ही उसको डाउनलोड किया है, तो ये भी एक काफी स्ट्रॉन्ग साइन है। अगर इनमें से आपको कोई भी साइन मिलता है तो इस चीज को कंफर्म कैसे करना है, अपने स्मार्टफोन को सबसे पहले किसी एंटीवायरस ऐप से स्कैन करना है। फॉर एग्जांपल, अवस्त, कैस्परस्काई या फिर नॉर्टन आर द रिलायबल ऑप्शंस। सेटिंग्स में जाके परमिशंस को चेक करना है कि किस एप्लीकेशन को आपने कौन सी परमिशन दी हुई है। हर एक एप्लीकेशन को हर एक परमिशन देना जरूरी नहीं होता, जो आप वीडियो में आगे जानेंगे। अगला और सबसे जरूरी पॉइंट, आपने ये चेक करना है कि किस एप्लीकेशन ने बैटरी को सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है। फॉर एग्जाम्पल, आप सारा दिन यूट्यूब वगैरह देखते हैं, यूट्यूब ही ज्यादा बैटरी खर्च करे, इट मेक सेंस। लेकिन कोई ऐसी एप्लीकेशन है जिसको आप इस्तेमाल ही नहीं कर रहे और वो ज्यादा बैटरी कंज्यूम कर रही है, इट मीन्स वहां कुछ तो गड़बड़ है। ये गड़बड़ है। नेटवर्क कनेक्शंस भी आपने चेक करने हैं। फॉर एग्जांपल, आपका ब्लूटूथ ऑन है, हॉटस्पॉट ऑन है और उससे किसी ने कनेक्ट कर रखा है, उसके थ्रू भी काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन वो आपके फोन से निकाल सकते हैं। आपको इनमें से कोई भी साइन मिला और कंफर्म कर लिया कि हाँ वाकई में हमारा स्मार्टफोन किसी ने हैक कर रखा है, अभी सबसे पहले हमने क्या एक्शन लेना है, क्योंकि हमारा जो फोन है वो लगातार इन्फॉर्मेशन को हैकर के पास सेंड कर रहा है थ्रू इंटरनेट। तो सबसे पहले मोबाइल का इंटरनेट ही डिस्कनेक्ट करना है, वाईफाई या मोबाइल डेटा जो भी हो उसको बंद करो। जो भी आपको सस्पिशियस एप्लीकेशन मिली है जो आपने इंस्टॉल नहीं करी, या फिर सेटिंग्स में जाने के बाद भी आपने चेक करना है एप्लीकेशन की लिस्ट में कोई बिना नाम की, अच्छी सी बिना लोगों की आपको एप्लीकेशन मिली जो आप नहीं जानते कि ये क्या है। बहुत सारे तरीके होते हैं हैकर आपके मोबाइल में इंस्टॉल करा देते हैं, तो उस एप्लीकेशन को आपने उड़ा देना है। साथ ही यहाँ पे मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल, कोई फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन है, उसको आपने कॉन्टैक्ट की परमिशन दी हुई है, यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनती। फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन चाहे तो गैलरी की परमिशन ले सकती है, लेकिन कॉन्टैक्ट्स का यहाँ पे कोई तुक नहीं बनता, उसको टर्न ऑफ कर देना है। और अगर वो एप्लीकेशन बार बार आपसे परमिशन ऑन करने के लिए बोलती है, फोर्स कर रही है, उसके बिना वो वर्क नहीं करती, तो उस एप्लीकेशन को ही उड़ा देना है, बिकॉज वहीं पे कुछ गड़बड़ है। किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने से पहले आपने कुछ खास बातों का ध्यान रखना है, ऐसे कुछ भी डाउनलोड नहीं करना। इससे रिलेटेड मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखी है कि आपने कैसे एप्लीकेशन को फिल्टर करके ध्यान रख के डाउनलोड करना है। इसी के साथ आप ऐप स्टोर में जाकर के ऑप्शन को यहां से ऑन कर सकते हैं। अगला जो काम आपने करना है, अपने फोन से सभी इमेजेस, वीडियोस एंड डॉक्यूमेंट्स को किसी अदर डिवाइस में ट्रांसफर कर लेना है या फिर उनका बैकअप ले लेना है, और अपने स्मार्टफोन को कंप्लीटली यानी कि फुल्ली फैक्ट्री रीसेट कर देना है। एक बात को याद रखें, एप्लीकेशन या किसी और चीज का बैकअप नहीं लेना है, क्योंकि हो सकता है उन्हीं में कोई स्पाईवेयर, कोई मालवेयर छिपा हो और बाद में बैकअप को रिस्टोर करने के बाद वो फिर से हमारे मोबाइल में आ जाए और वही काम करना स्टार्ट कर दे। एक और बात जिसका ध्यान रखना है, अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के और बैंकिंग के पासवर्ड्स को इमीडिएटली चेंज कर देना है, अपडेट कर देना है। और एक आखिरी काम जो बहुत सारे लोग करना भूल जाते हैं, इन्फॉर्म योर कॉन्टैक्ट्स। आप व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा सकते हैं या फिर मैन्युअली उनको बता सकते हैं कि रिसेंटली मेरा फोन हैक हो गया था। अगर आपको कोई कहीं पे बुलाए, आपसे पैसे मांगे, इट मीन्स समझ जाना वो मैं नहीं कोई और है।
ताकि आप तो बच गए लेकिन आपके सर्कल में से किसी और के साथ वो फ्रॉड ना हो, फ्यूचर में आपके साथ ऐसा ना हो। तो इसके लिए हमेशा एक यूनिक एंड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का इस्तेमाल करें, जिसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। एप्लीकेशन से रिलेटेड भी वीडियो आप देख सकते हैं और मुझे कॉमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।